आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस क्वेश्चन में हमें ये जो ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज दी हुई है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमारे पास फर्स्ट है साइन 30 प्लस कॉस 60। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। अब सेकंड है अपने पास साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। अब थर्ड है अपने पास टेन 45 माइनस टेन 37। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और टेन 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/4। तो ये हमारे पास LHS लेने के बाद आ जाएगा 1/4। हमें ये जो वैल्यूज हैं ये थीटा की, कि साइन थीटा साइन 30 इतना होता है, टेन 45 इतना होता है, ये सब याद होने चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, तभी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास है साइन 390। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन 360 प्लस 30। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 390 को। 360 का मतलब क्या है? ये कोऑर्डिनेट है 360, मतलब ये पूरा राउंड लगा के यहाँ पर 360 आ गया, उसके बाद यहाँ पर 30 डिग्री। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो साइन 30 के इक्वल होगी, जो कि है 1/2। अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है अपने पास cos 405 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि cos 360 प्लस 45। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इससे हमारे पास आ जाएगा cos 45, दैट इज इक्वल टू 1/√2। अब सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स्थ क्या है अपने पास? tan 420। इसको हम लिख सकते हैं tan 360 प्लस 60। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan 60, दैट इज इक्वल टू, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। और अब अपने पास सेवंथ है। सेवंथ क्या है? साइन 150। साइन 150 को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 180 माइनस 180 माइनस 30। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसकी वैल्यू साइन 30 के इक्वल होगी। तो ये साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये 1/2 होगी। अब एट्थ करते हैं। एट्थ क्या है? cos 120 को कैसे लिख सकते हैं? cos 120 होता है 90 प्लस 30, दैट इज इक्वल, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 30, दैट इज इक्वल टू -1/2। अब नाइन्थ है अपना cos tan 135 को कैसे लिख सकते हैं? tan 90 प्लस 45, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा -tan 45, दैट इज इक्वल टू -1। अब टेंथ है अपने पास sin 330। इसको हम लिख सकते हैं sin 360 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू -sin 30, दैट इज इक्वल टू -1/2।
तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब इलेवंथ देखते हैं, इलेवंथ क्या है, कॉस 300। कॉस 300 क्या होगा, साइन 360, नहीं कॉस 360 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू कॉस 60। फोर्थ क्वाड्रेटिक में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन लिया है, या साइन नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव साइन लिया है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब ट्वेल्थ सॉल्व करते हैं, तो ट्वेल्थ सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन माइनस 30 डिग्री। साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू क्या क्या होगी, माइनस साइन 30 डिग्री, इट मीन्स माइनस 1/2। हाँ अब 13 है अपने पास, कॉस माइनस 60, कॉस माइनस 60 की वैल्यू कितनी होगी, प्लस कॉस 60 दैट इज इक्वल टू 1/2। साइन के अंदर अगर माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस के अंदर अगर माइनस साइन हो तो प्लस हो जाता है। तो अब अपन लेते हैं 14, 14 हो जाएगा। 14 क्या है, 10 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू माइनस 10 45, इट इज इक्वल टू माइनस 1। और अपना 15 है साइन माइनस 150 दैट इज इक्वल टू माइनस, आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन 150 दैट इज इक्वल टू माइनस के साइन 180 माइनस 30। तो इसका मतलब है ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो हमारे पास यहाँ से ये जो 15 जो वैल्यूज दी हुई थी, इनकी जो 15 ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज या वेरिएबल दिए हुए थे, उनकी फाइनल वैल्यूज हमने निकाल ली। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।